आजमगढ़ के ब्लॉक पलना में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कई हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस जनसभा के मुख्य अतिथि सुभाषपा कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और विशिष्ट अतिथि भाजपा लोकसभा 68 लालगंज के प्रत्याशी नीलम सोनकर रही। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपील किया कि भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर को जिताने के लिए कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विक्रांत सिंह और जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजभर के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के संचालन प्रदेश महासचिव अकील चौरसिया और जीत बहादुर सिंह ने किया। इस मौके पर पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, सांसद संगीता आजाद, पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन, ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह, प्रदेश प्रमुख महासचिव सुगंध सिंह, आदित्य राय, राजेश सिंह, मानव समाज सेवी राम सभा भारद्वाज, जिला कार्य समिति सदस्य रामा साव, मंडल मंत्री आनंद सिंह, प्रधान विदेशी राजभर दिनेश सिंह, गोरख मिश्रा, जयदीप श्रीवास्तव, घनश्याम पांडे, संजय राजभर, उदय प्रताप सिंह, धीरज राजभर, अरविंद राजभर, सुनीता राजभर, आशा राजभर, अनीता राजभर, दीनानाथ राजभर, जनार्दन राजभर, सुनील राजभर, अशोक राजभर आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पवन पुरोहिया, न्यूज आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। सही बात का कहना तो विश्वास ना होए, सही सही बात पे केहू के विश्वास ना होला, सब झूठ के पास के दौड़ेला, आ सच बोले ला पे विश्वास ना होए, आ सच बोले ला पे विश्वास ना होए, नेता के क्यों होए कोई प्रकाश ना होए, नेता के क्यों होए कोई प्रकाश ना होए। समर्थन में हम लोग आए बैठे और माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी इन तीन नेताओं ने जिम्मेदारी दी है। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यूपी जरूरी है, 80 DSU जीतना हमको आपको जरूरी है। 24 के बाद 5 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में घरेलू बिजली का बिल किसी को नहीं देना पड़ेगा, ये कानून मोदी का साथ है। सुबह 6 बजे बूथ पर जाकर जो मोदी जी का संदेश है, जो मोदी जी का संदेश है, वो संदेश को गांव गांव पहुंचाने के लिए हमको आपको गांव गांव घर घर जाकर ये बताने की जरूरत है कि मोदी जी ने सबको संदेश भेजा है और कहा है कि आप अपने भी ना चाहते हो, अपने बच्चे की भलाई चाहते हो, देश में खुशहाली चाहते हो, अमन चैन चाहते हो, भय चलना चाहते हो, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक एक प्रमुख के निशान पाली बटन दबा करके उनके प्रत्याशी नीलम सोनकर जी लाल से इनको भारी मतों से विजयी बनाने की अपील। हम लोगों के दर्द को समझने वाले, हम लोगों की बातों को माननीय मोदी योगी तक पहुंचाने वाले, हम लोगों के लिए संघर्ष करने वाले, ऐसे हमारे माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन आज हमारी इस पन्ना की धरती पे हुआ है। मैं उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे मंच पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे पूर्व विधायक माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी हैं। खाली पल्ला में ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में जी, पूरे
पूरे के पूरे भारत में या विश्व में भी कहीं रहने वाला राजभर आए तो वह ओम प्रकाश जी को अपना नेता मानता है, ओम प्रकाश जी मोदी जी को अपना नेता मान रहे हैं तो सब लोग उनके पीछे चल चुके हैं और सब लोग विकास देख रहे हैं। अब जात बिरादरी की धारा जो है टूट गई, पुरानी पार्टियां जो अपना घर चलाती थी जात बिरादरी से वो बंद होने की कगार पे आ गई है। अब मोदी का विकास देश में, प्रदेश में योगी का विकास और पंचायती राज में ओम प्रकाश का विकास। 400 पार का जो नारा चल रहा है क्या ये संभव है? पवन जी मैं कहना चाहूंगा आपको और बाकी सब पत्रकार बंधुओं को कि ऑलरेडी जो 5 चरण बीते हैं वो चुनाव हमारे हो गए, उसमें ही हम 400 पार हो गए हैं। अब हमें लगता है कि हम 500 पार की तैयारी की। तो जय श्री राम। जय श्री राम। योगी सरकार की जो योजना है ये गरीब के घर तक पहुंच पाई है? गरीब के घर पहुंची है, जन जन के यहाँ पहुंची है और 2047 का सपना जो मोदी जी ने देखा है विकसित भारत का, वो गांव के विकास को ही करके संभव होगा।